All right, hi everyone, good afternoon. Can you guys hear me and see the screen? Just a minute, I'll allow you to unmute as well. ठीक है. Just a minute. All right. लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइट्रेशंस का पार्ट कंप्लीट कर लिया था, राइट? एंड बेस्ड अपॉन दैट, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ प्रॉब्लम? हाँ, राइट. कुछ क्वेश्चंस ट्राई करे होंगे आप लोगों ने बुकलेट में से. आई एम श्योर उनमें से कई क्वेश्चंस में आपसे क्वेश्चंस हुए होंगे, कहीं में अटक गए होंगे. क्विकली लेट्स स्पेंड सम 10 मिनट्स इनटू दोस डाउट्स. ठीक है, फटाफट बता दो कौन से सेक्शन में से क्या डाउट है. यश, सेइंग बुकलेट डाउट्स हैं आपको. राइट, क्या दिया था होमवर्क? राइट, एफबीओ वाले सेक्शन में से कोई डाउट है? हंड्रेड एंड थ्री थोड़ा सा, आई थिंक मुझे जहां तक याद आ रहा है रैंडम ही था, बट ठीक है, एक बार देख लेंगे. 88, ठीक है. 95, 93, 89 और FBS में 40, 50. ठीक है, एक मिनट दो मुझे. 27 का सी, ठीक है. ऑल राइट, जस्ट कहाँ गया. फटाफट डिस्कस करके क्लोज करते हैं. पहले एफबीओ के क्लोज कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 100 इज अ क्वेश्चन जिसमें थोड़ा डेटा मिसिंग है. ठीक है, कैसा रहता है? वी अंडरस्टैंड दैट पीएच ऑफ अ बफर इज गोइंग टू बी पीकेए प्लस माइनस 1, राइट? बिकॉज दैट सॉल्ट अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन is something which is going to be between 1/10 से 10, है ना? अब यहाँ पर कौन सा ज़्यादा acidic होगा, right? That is something which is dependent on the value of pKa. ठीक है, तो आपको pKa का डेटा मिलना चाहिए था, so as to come up with the answer that which is more acidic in nature. ठीक है, अब based upon pKa data, C option would be the answer. ठीक है, आपको question में data दिया नहीं pKa का. pKa should have been given to you, otherwise it would have been a challenge for you to comment. ठीक है, यहाँ पर नहीं नहीं ए नहीं, सी ऑप्शन होना चाहिए. अच्छा, इसमें एक्चुअली पीके वन भी नहीं आएगा, ये तो पीके ए 1 + 1/2. अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी के लिए ये रहेगा. ठीक है, ऑप्शन सी जो है ना, इसमें what will happen is H2C2O4 plus C2O4 2- is going to give you
HC2O4 माइनस, ठीक है, लाइक ये एम्फीप्रोटिक बनेगा, इसमें द बफर विल नॉट बी एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट वाला बफर वाला, ठीक है, इसमें एक्चुअली ये रिएक्शन होगा इन दोनों के बीच में, एंड HC2O4 माइनस बनेगा, ठीक है, मतलब ये मुझे कैसे पता, मैं आपको थोड़ा सा और इसमें इलाबोरेट कर देता हूँ, सी ऑप्शन में, लाइक H2C2O4 विल डिसोसिएट इनटू H प्लस प्लस HC2O4 माइनस एज पर K1, ठीक है, एंड C2O4 2 माइनस विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ठीक है, KW अपॉन K2 will give you HC2O4 minus plus OH minus, and ye H plus and OH minus are going to consume each other like we have seen many times before, ठीक है, as per the equilibrium constant 1 upon KW, and hence if you remember how we did earlier with the derivation of amphiprotic species and weak acid, weak base salt. Achha, ek second mujhe do. ये समझ में आया? तो इससे आपका जो पीएच रहेगा वो हाफ ऑफ PK1 प्लस PK2 रहेगा, ठीक है, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज का ऐसे में निकाल देते हैं. अब अगेन अल्टीमेटली द आंसर इज गोइंग टू बी ऑन K1 K2 PK का डेटा चाहिए टू कम अप विद दिस क्वेश्चन, ठीक है, टू कम अप विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज काइंड ऑफ मिसिंग इन दिस क्वेश्चन. डी ऑप्शन तो फालतू है, डी ऑप्शन तो इनफैक्ट द स्पीशीज इवन डजंट एग्जिस्ट, लाइक दिस इज नॉट हाउ दिस इज, बोरिक एसिड इज नॉट ब्रॉन्स्टेड एसिड, इज नॉट ब्रॉन्स्टेड एसिड, ये तो मतलब ऐसे ये BO33 माइनस ऐसा नहीं एग्जिस्ट करेगा. 103 ये तो अपन ने क्लास नोट्स में करा था ना, दिस वाज द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट वी डिड इन द क्लास प्रत्याशा, इफ यू रिमेंबर, आई थिंक लॉन्ग बैक जब टाइट्रेशन का स्टार्ट ही हुआ था मैंने इंडिकेटर के बारे में आपको बताया था, तभी कभी ये स्टार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था. नहीं, कहां गया? ये जब इंडिकेटर की रेंज मैंने एक्सप्लेन किया था ना, यही तो एग्जांपल लिया था, यही डेटा भी यही था, मैंने तो डेटा भी चेंज नहीं करा था. ठीक है, एक बार देख लेना उसको वापस से उस. हाँ, मतलब मैंने थोड़ा सा ये समझदारी कर दी थी कि मैंने आपको उसमें डायरेक्टली PKIN दे दिया था, इसमें थोड़ी सी मेहनत करा रहे हैं PKIN के लिए, राइट, PKIN या KIN ऑफ द इंडिकेटर, तो KIN इज इक्वल टू एच प्लस इंटू IN माइनस अपॉन HIN, राइट, तो यहाँ पर 50% एंड 50% लाइक एक दूसरे को कट कर देंगे व्हेन KIN इज इक्वल टू एच प्लस, राइट, सो इससे आपको समझ में आ जाएगा दैट KIN इज 10^-5.4, ठीक है, ये चीज के लिए लाइक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी उस क्वेश्चन में जैसे मैंने दी थी, थोड़ा सा ये चीज घुमा के दे दी,
बाकी फिर इसके आगे का डेटा तो वैसा ही है, वो 8 टाइम्स 16 टाइम्स। ठीक है, 88 88 88 88, इसमें कहाँ अटक गए? Isn't this a question again which we have done in the class? I think I have done in the class notes only. Refer class notes. ये तो मुझे जाते क्या शायद पिछली क्लास में कराया था. कराया था ना? टाइट्रेशंस कराने के बाद में जो मैंने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे उसमें था ये. हाँ ये वाले देखो ना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला ये वाला ये वाला ही था क्या? अच्छा, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट ऑन द सेम लाइंस. इसमें आप देखो क्या करना है, चलो मैं फटाफट कर देता हूँ आपके लिए. इसमें आप नोटिस करोगे BOH प्लस HCl इज गिविंग यू BCl प्लस H2O, राइट. अब इसमें 20 ml ऑफ वीक मोनोबेसिक BOH रिक्वायर्स 12 ml ऑफ 0.3 मोलर HCl, यानी कि 12 ml 0.3 मोलर HCl मतलब कितना हो गया ये 3.6 मिलीमोल्स है ना. इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना BOH लगेगा? ठीक है, 3.6 मिलीमोल्स, राइट. सो दिस इज व्हाट योर स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ BOH शुड बी. ठीक है, ऑल्दो आपसे कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं पूछ रहा है BOH की, बट ये आपके लिए एक डेटा हो गया फॉर इक्विवेलेंस पॉइंट. ठीक है, अब उसके बाद बोला जा रहा है कि हम इक्विवेलेंस पॉइंट का डेटा नहीं एनालाइज करना चाह रहे हैं. बोला जा रहा है ड्यूरिंग टाइट्रेशन पीएच ऑफ द बेस सॉल्यूशन वाज 10 व्हेन जब 4 ml HCl डाला, मतलब 1.2 मिलीमोल HCl डाला, ये 3.6 था है ना, यहीं से उठाया मैंने 3.6. और HCl जो है वो 4 ml डाला, 4 × 0.3 1.2 मिलीमोल्स, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये 2.4 और ये 1.2 है ना. तो ये आपका एंड में क्या बनेगा, बफर बन जाएगा, राइट. POH इज इक्वल टू PKB प्लस log 1.2 अपॉन 2.4, राइट. क्या आपको POH दे दिया है? POH दे दिया है 4, तो आप PKB निकाल सकते हो, पीके भी निकाल दोगे ना, वही पूछा है. समझ में आया तुमने? ओके, देन 95 95 95 95. ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन होगा, मतलब इसमें आयोनिक इक्विलिब्रियम का तो कुछ है ही नहीं, एलसीपी है, मतलब ये CH3COH H प्लस प्लस CH3COO माइनस. तो अगर मैं प्रोडक्ट ऐड कर दूंगा तो इक्विलिब्रियम किधर जाता है? इफ आई ऐड प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है? बैकवर्ड, राइट. तो फिर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, pH बढ़ जाएगा. इसमें क्या नया था? ठीक है, कई बार ज्यादा डिफिकल्ट चीजें करते करते इजी चीजें भूल जाता है. 93rd क्वेश्चन अगेन, इसमें डेटा मिसिंग है, मतलब यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो द pKa वैल्यूज ना. Like pH, as I said, is equal to pKa plus minus 1. Or, agar basic buffer hai, to POH is equal to pKb plus minus 1. Like, data lagega.
ठीक है, डेटा ऑफ पी के ए एंड पी के बी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, दैट इज नॉट समथिंग विच यू रिमेंबर बाय हार्ट, ठीक है, तो वो डेटा चाहिए होता है इस वाले क्वेश्चन में भी. देन हाँ, मतलब यहाँ पर इनफैक्ट प्रोबेबली सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन बोथ कैन बी एन आंसर डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पीके ए पीके टू प्लस माइनस वन होगा, और पीके टू कितना होता है इसका, आई थिंक इनफैक्ट इफ आई रिमेम्बर द डेटा, इसका पीके टू जो रहता है ना शायद वो 11 रहता है, आई डोंट रिमेम्बर द डेटा एक्चुअली, जस्ट टेकिंग गेसेस, डेटा देखकर चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको 9 चाहिए ना, तो यहाँ पर एक्चुअली जो पी ओ एच है वो 5 प्लस माइनस 1 रहता है, तो पी एच 9 प्लस माइनस 1 आ जाएगा, आई थिंक ये बेटर आंसर रहेगा, सिंगल चॉइस है तो बेटर आंसर क्लोज टू 9 इफ यू नो द डेटा, ठीक है. देन 93 में इसमें भी मतलब आपको दे ही दिया ना, व्हाट कॉन्सेंट्रेशन सच दैट पीएच शुड बी 5.05, मतलब लाइक है तो सही सब कुछ, पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, मतलब आपको अगर यहां से डिस्कम्फर्ट है तो आप यहीं से सोचो ना, के ए जो होता है वो होता है एच प्लस इंटू सी एच थ्री सी ओ माइनस अपॉन सी एच थ्री सी ओ एच, राइट, ये आपको दिया है 10^-4.75, ये दिया है 10^-5.05, तो ये रेशियो आप निकालोगे ना, एसिटिक एसिड टू एसिडेट आयन, यानी कि इसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, तो ये एक्स सॉल्व करना है आपको, गेट द आंसर, वेयर इज द प्रॉब्लम. 89 सेम ऑन द सेम लाइंस, ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन है, दे दिया ना, के ए वन is equal to H plus into HCO3 minus upon H2CO3, right? आपको K1 दे दिया है, आपको pH दे दिया है, तो ये रेशियो आप नहीं बता सकते, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, मतलब see I can understand your struggle with such questions because not every time अरे फॉर्मूला नहीं लग रहा, मतलब दीज आर दोस क्वेश्चंस जहां पे नॉट एवरी टाइम दैट फॉर्मूला इज अप्लाइड एंड देन आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा चैलेंज है इन क्वेश्चंस में. ऑलराइट, देन FBSK 40, 50 and 27, फटाफट देखते हैं, समझ में तो आ रहा है ना, ज्यादा फटाफट तो नहीं हो रहा, चालीस, इसमें क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस मच इफ के टू इज गिवन, तो इसमें या तो अप्रोक्सीमेशन नहीं, लाइक जो K2CrO4 है, ठीक है, ये तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा K प्लस एंड CrO4 टू माइनस आयन में, है ना, अरे इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्युबल सॉल्ट है,
मतलब NaCl जैसा सॉल्यूबल सॉल्ट है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका 0.05 0.005 मोलर हो गया ना। ठीक है, अब इसके बाद में आप इस पे आगे फॉर्मूला लगा लो, अगर फॉर्मूला से आंसर नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि अल्फा जो एक्सटेंट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस था उसका आंसर हो जाता था यहाँ पर रूट के बी के डब्ल्यू अपॉन के टू इंटू सी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके एच प्लस का फॉर्मूला, एंड दिस शुड बी मच मच लेस देन वन, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। ट्राई करना, देखना, आई थिंक काम कर जाना चाहिए। ठीक है, देन 50 में कहाँ अटक गए, टाइट्रेशन। यहाँ पे ये दोनों मैं नहीं कर रहा, ये अपने क्लास नोट्स में ऐसे क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, बोथ डेटा पॉइंट आर बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, रेफर क्लास नोट्स, वी डिड एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इफ आई थिंक यही डेटा भी शायद यही ले गया होगा, इफ आई रिमेम्बर। आप क्या कहना चाह रहे हो, NaOH का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है तो क्या हो गया, मतलब वेरिएबल मान के चलो ना, टेक दैट टू बी वेरिएबल। अपन ने लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चंस करे तो थे, इफ यू रिमेम्बर। यहाँ पर ठीक है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको डेटा के साथ में करा दिया था, बट अगर आप देखो, इधर देखो यश, ठीक है, तीन वेरिएबल नहीं होंगे, आपको लग रहा होगा तीन वेरिएबल। ठीक है, जैसे मतलब ये एक सिमिलर एग्जांपल है जिसमें यू माइट बी लाइक कि सर ये C1, C2 और PK भी तीन वेरिएबल हो जाएंगे, बट हैं ये दो इक्वेशन ही और तीन वेरिएबल नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हो, C1 अपॉन C2 को एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, तो एक्चुअली वो दो वेरिएबल दो इक्वेशन ही हैं। ठीक है, वो नेचर वैसा है उनका। ठीक है, एंड देन 27 का सी पार्ट, कैलकुलेट पिरिडीन पिरिडीनियम क्लोराइड, इसमें कहाँ अटक गए, द आंसर इजंट मैचिंग। मतलब POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस से नहीं मैच कर रहा। PKB तो ऊपर लिखा था 9 - log 1.5, और यहाँ पर सॉल्ट कितना हो जाएगा 0.3, और ये 0.1 है बेस, तो नहीं, दिस डजंट मैच। POH आएगा, pH किसी और का मैच हुआ है क्या, ये वाला आपने यही किया था बोलना, हो सकता है फिर पीछे आंसर गड़बड़ो, बिकॉज और कुछ कैच नहीं है इस क्वेश्चन में। देर इज नो अदर कैच, लाइक इट इज सिंपल ओनली।
ठीक है। 48th क्वेश्चन, 48 तो मतलब आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन दैट वी डिड इन द क्लास। ये देखो ना दिशा, यही वाला तो क्वेश्चन है, दिस इज द 48th क्वेश्चन। इसमें कहाँ अटक गए? लाइक सॉल्ट बनेगा ना, आपने वापस से केयरलेस मिस्टेक तो नहीं कर दी वॉल्यूम की? हो जाएगा अभी, हाँ पीके नहीं दिया था। ये कुछ क्वेश्चंस में है मतलब चैलेंज, अभी आई थिंक पीके फाइव भी नहीं दिया, ये पीके फाइव शायद ये भी नहीं लेना है। आई थिंक पीछे आंसर मैच करेगा पीके 4.74 लेने से, वो क्वेश्चन में देना चाहिए था पीके, करेक्ट। वो कहीं जगह पर बुकलेट में है CS3COH का पीके, कहीं जगह फाइव लिया है कहीं जगह 4.74 लिया है, वो थोड़ा सा नॉनसेंस है। ठीक है बट चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे का पढ़ लेते हैं। लास्ट टॉपिक रहेगा ये आपका इस चैप्टर का, ठीक है, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। नाउ दिस इज समथिंग विच इज यू नो काइंड ऑफ एन आइसोलेटेड चैप्टर इन एज एन आइसोलेटेड सब टॉपिक इन इटसेल्फ, कॉन्सेप्ट्स वही हैं बट इसमें पीएच वगैरह के फॉर्मूलेस एक्सेट्रा का इतना यूज नहीं आता है, एंड समथिंग विच मेक्स इट स्कोरिंग। ठीक है तो ध्यान से समझना, इससे भी कई बार सेपरेटली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है किस तरीके से है यहाँ पे नोटिस करो। नाउ इसके पहले जब हम सॉल्ट्स का डिस्कशन कर रहे थे इन द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सेक्शन, तो उन सॉल्ट्स में मैंने ये अजम्पशन लेके रखा हुआ था दैट दोस सॉल्ट्स आर ऑल सॉल्युबल। लाइक सॉल्ट को डाला एंड उसके बाद में इट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। ठीक है बट दिस सेक्शन डील्स विद दोस सॉल्ट्स व्हिच डोंट रेडिली डिसोसिएट इनटू देयर आयंस। फॉर एग्जांपल AgCl जैसा सॉल्ट है, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज इनसॉल्युबल और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। यू एड AgCl इन वाटर, हार्डली सम अमाउंट ऑफ इट गेट्स डिसॉल्व्ड इनटू इट्स आयंस। ठीक है सो यहां पर दैट इज आवर फोकस, सर्टेन सॉल्ट्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर बिहेव एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डिसोसिएट टू अ वेरी वेरी स्मॉल एक्सटेंट। इसमें नोटिस करना सॉल्युबिलिटी की क्या डेफिनेशन है उनकी, आई थिंक ये प्रीटी ऑब्वियस है, आप लोगों को पता है ऑलरेडी। द अमाउंट, स्पेशली अमाउंट को हम लोग मोल्स में मेजर करते हैं, द मोल्स ऑफ द सॉल्ट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्ट। कितना मोल्स पर लीटर डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है तो जैसे ये AgCl है सॉलिड, इसका इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाएगा, AgCl सॉलिड डिसोसिएटिंग टू अ स्मॉल एक्सटेंट इनटू Ag प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस, द आयंस आर इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड लैटिस। सो इसमें से मान लो S मोल्स डिसॉल्व हो जाएंगे, राइट, से S इज द सॉल्युबिलिटी, तो Ag प्लस आयंस भी S रहेंगे एंड Cl माइनस आयंस भी S रहेंगे, S कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर। ठीक है दिस इज, दिस इक्विलिब्रियम इज गवर्नड बाय एन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट दैट इज कॉल्ड एज KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन और दिस dissolution. ठीक है, of course you very well know how the relationship of KSP will be written. KSP will be equal to Ag plus का concentration raised to the power of its coefficient, Cl minus का concentration raised to the power of its coefficient divided by AgCl की activity, क्योंकि ये solid है इसको one assign कर देता है। ठीक है, so you simply understand that the relationship is S is equal to root KSP or KSP is equal to S square. ठीक है, यहां तक का पार्ट समझ में आया?
सॉल्युबिलिटी वर्ड क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वर्ड क्या होता है, इज दैट क्लियर? काफी बेसिक है, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम ही है, देयर इज नथिंग टू फैंसी और डिफिकल्ट अबाउट इट। अच्छा, थोड़ा सा मेहनत मेरी तरफ से आप करो यहाँ पर। हाउ वुड यू राइट द रिलेशनशिप बिटवीन के एस पी एंड सॉल्युबिलिटी फॉर अ सॉल्ट लाइक आर्सेनिक सल्फाइड? एंड टू हेल्प यू विद दैट आई हैव रिटन डाउन इट्स डिसोसिएशन। सिमिलर टू जैसे ऊपर अपन ने लिखा है, ये ए जी सी एल का जैसे अपन ने लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड के एस पी द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वैसा मुझे ये लिख के बताओ। और स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, राइट यश, ठीक है, नहीं नहीं गौरव, गड़बड़ कर दिया आपने। इसमें आप देखो ना, हाँ पूर्ण आपका भी करेक्ट है, नहीं प्रत्याशा, आपने भी वही एरर कर दिया, and that was the error that was I was expecting। यहाँ पर solid 0 0 solid minus s moles, अगर solid के dissolve होंगे तो arsenic ion के 2s moles और sulfide ion के 3s moles बनेंगे ना, as per the stoichiometry, and then you write the expression of ksp, तो ये coefficient power में भी चढ़ता है, तो ये 2s का square और 3s का cube, and as a result ksp will be equal to 108 into s raised to the power of 5। theek hai, samajh mein aaya? What is the learning? Hai simple ji cheez, but don't make this careless mistake of disregarding the coefficients। theek hai, chalo dekhte hain kitna dhyan rahega, dono ki solubility mujhe compare karke batao what is the answer, which is more soluble, which is less soluble? The next example mein, is AgCl more soluble or is PbOH whole twice more soluble?
कैसा आएगा? डोंट सुपरफिशियली कंपेयर द केएसपी वैल्यू सेइंग दैट यू नो AGCL का KSP ज्यादा है, PBOH होल्ड ट्वाइस का KSP कम है. सुपरफिशियली KSP कंपेयर करके मत आंसर करना विच इज मोर सॉल्युबल विच इज लेस सॉल्युबल. यू शुड आंसर बाय कंपेयरिंग द सॉल्युबिलिटी. सो जैसे AGCL का तो रिलेशनशिप हमने ऊपर ही लिख लिया था, KSP एस स्क्वायर के बराबर आता है. सो S कम्स आउट टू बी 10^-6 मोलर है ना. अभी PBOH होल्ड ट्वाइस का इफ आई डू द एनालिसिस राइट अगेन नोटिसिंग द कोफिशियंट, ये Pb2+ रहेगा, ये 2OH- रहेगा राइट. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस सॉलिड 0-0 सॉलिड माइनस एस और ये एस और 2S रहेगा. सो एस और 2S होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा KSP=4S³. ठीक है एंड इससे सॉलिबिलिटी आएगा 10^-5. ठीक है सो यू कैन सी विच इज मोर सॉल्युबल. PbOH होल्ड ट्वाइस इज मोर सॉल्युबल ना, 10^-5 बड़ा होता है ना इस कंपेयर टू 10^-6. ठीक है क्लियर है ये विच इज मोर सॉल्युबल. ठीक है यहाँ नीचे स्टेटमेंट भी लिखा है सॉल्युबिलिटी शुड बी कंपेयर्ड बाय डायरेक्टली शुड नॉट बी कंपेयर्ड बाय डायरेक्टली लुकिंग एट केएसपी, वन मस्ट सॉल्व फॉर एस एंड देन गेट द आंसर. ठीक है अच्छा इसमें कई बार लाइक आई गेट दिस क्वेश्चन और डाउट फ्रॉम द स्टूडेंट्स यू नो आस्किंग समथिंग इन दिस वे कि सर यहाँ पर लाइक जैसे ये मतलब आपने हमें जब pH कैलकुलेशंस वगैरह करा रहे थे तो आपने बताया था स्टेप बाय स्टेप डिसोसिएशन के बारे में राइट. जैसे H2CO3 होता था तो इट डिसोसिएट्स H+ HCO3- एंड देन HCO3- डिसोसिएट्स इनटू H+ CO3-2-. सो इसमें भी लाइक समथिंग लाइक दिस हैपेंस दैट यू नो द आयन डिसोसिएट्स इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर, ऐसा कुछ डाउट आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में? ठीक है अभी नहीं आता, जब वो घर जाके रिविजन्स करते हैं जनरली तब आ ही जाता है. ठीक है कि सर इसमें ऐसा कुछ होगा कि ये As3+ आयन और फिर ये As S3-2- आयन और फिर उसमें से नेक्स्ट आयन, ऐसा डिसोसिएशन स्टेप बाय स्टेप डिसोसिएशन हो. द थिंग इज दैट दिस इज नॉट कोवेलेंट कंपाउंड. ठीक है इसमें इफ यू एक्चुअली ट्राई टू विजुअलाइज दिस, इट इज अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड, इट्स अ लैटिस, इट्स एन आयनिक सॉलिड. ठीक है तो ये जो सॉलिड है वो डायरेक्टली अपने आयन्स के साथ में इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है. ठीक है इसमें कोई स्टेप बाय स्टेप डिसोसिएशन नहीं है, आयनिक सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स आयन्स. ठीक है दैट्स व्हाई यहाँ पर व्हेनेवर एक सॉल्ट का डिसोसिएशन आई एम डूइंग, आई एम डायरेक्टली डूइंग इट इन इट्स आयन्स. समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें. ठीक है लेट मी एक्चुअली मॉडिफाई द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, जस्ट गिव मी 1 मिनट. मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा बट मैं उसका लैंग्वेज थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा. सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 300 मिलीग्राम्स पर लीटर या 30 मिलीग्राम्स पर लीटर एक्चुअली 30 mg पर लीटर. कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ये रहा क्वेश्चन. ठीक है
फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जाता है ना गौरव, द रिएक्शन गोज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड. द सॉलिड डिसोसिएट्स इनटू द आयंस, द आयंस प्रेसिपिटेट इनटू द सॉलिड. ठीक है, आज के डिस्कशन में द प्राइमरी फोकस विल बी फॉरवर्ड, लाइक सॉलिड से कितना आयंस बनेगा, कैसा उसका कैलकुलेशन रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द बैकवर्डनेस of this equilibrium, like I'll talk about the condition of precipitation. But today, let's focus on the forwardness only. हाँ ठीक है, इसमें यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है. 900 विल नॉट बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, इसमें लाइक वी अंडरस्टैंड व्हाइल एनालाइजिंग दिस इक्विलिब्रियम सॉलिड सॉलिड माइनस एस एंड एस एंड राइटिंग के एस पी इज इक्वल टू एस स्क्वायर, दैट विल बी द बेसिक्स. ठीक है, बट राइटिंग दिस इक्वल टू लाइक 30 into 30 will be absolutely wrong. ठीक है, you need to understand that solubility दिया है आपको milligrams per liter में, but this entire equation, this entire analysis is when the concentrations are in mole per liter, right? So 30 mg per liter means 30 into 10 की power minus 3 grams per liter. Now 30 into 10 की पावर माइनस 3 into molecular weight, or not into, actually divide by molecular weight. तो ये आपका मोल पर लीटर आ जाएगा, राइट. तो ये कितना हो गया सॉल्युबिलिटी. मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, 100 है ना. सो ये 3 into 10 की पावर माइनस 4 मोलार हो गया. And now you can write that Ksp is equal to S square is equal to 9 into 10 ki power minus 8 m square. This is the correct answer. ठीक है, Ksp की आपने कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया प्रत्याशा, वो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, यहां तक का पार्ट क्लियर हुआ. ऑलराइट, अच्छा अब थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन. सो हाउ डू आई इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक विद दिस एग्जांपल, नोटिस करना. डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन. ठीक है, इसके पहले कैसा था, इसके पहले ये वाला पार्ट नहीं था,
इसके पहले आई जस्ट आज यू टू डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, मैंने उसका KSP आपको दे दिया था, तो वो क्या था, इट वॉज डिटरमाइनिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन जस्ट वाटर, बट दिस टाइम आई एम नॉट यूजिंग जस्ट वाटर, आई एम सेइंग कि वाटर में NaCl भी प्रेजेंट है, ठीक है, सो यू हैव अ 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन जिसमें आपको AgCl की सॉल्युबिलिटी निकालनी है. ट्राई करोगे? वुड यू गाइस लाइक टू टेक एन अटेम्प्ट बिफोर वी डिस्कस? चलो फटाफट बताओ क्या रहेगा. हाँ राइट दिशा, राइट यश, राइट अमान. नहीं अमान आपने क्या करा. सो इसमें वन ऑफ द वेज इन विच वी विल प्रोसीड, ठीक है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट रहेगा आपके लिए. यहाँ पे ये नोट पढ़ेंगे हम लोग एक बार. इन सच क्वेश्चंस वेयर मल्टीपल सॉल्ट्स आर मेंशनड, ठीक है, यहाँ पर कितने सॉल्ट्स मेंशनड है, एक AgCl मेंशनड है और एक NaCl मेंशनड है, ठीक है. अब नोटिस करना, द सॉल्ट्स फॉर विच KSP और सॉल्युबिलिटी इज गिवन और आस्क्ड आर टू बी कंसिडर्ड एज स्पेरिंगली सॉल्युबल. तो यहाँ पे जो AgCl है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट रहेगा, अदरवाइज द सॉल्ट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. तो यहाँ पर NaCl के लिए वैसे तो आपको जनरल नॉलेज है दैट NaCl इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, बट इन फ्यूचर लेट्स से इफ सम अदर काइंड ऑफ सॉल्ट कम्स इन, अगर उसके लिए ना तो KSP दिया जाए, ना बोला जाए, ना पूछा जाए, ना सॉल्युबिलिटी दी जाए, ना पूछी जाए, तो वैसे सॉल्ट्स को आप सिंपली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान के कम्प्लीटली डिसोसिएट कर देना, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़े ना ऐसे लिस्ट याद है कि कौन से सॉल्ट सॉल्युबल है, कौन से सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल है. That is not a list that you are familiar with, at least for now. Maybe you will get some idea about it when you will be studying inorganic. तो उसमें आपको थोड़ा और idea मिलेगा कि कौन से salt soluble होते हैं, कौन से insoluble होते हैं. But यहाँ पर ऐसे questions में
यू हैव अ क्लियर हिंट इन फ्रंट ऑफ यू. अगर सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी या केएसपी ना तो दिया जा रहा है ना पूछा जा रहा है, तो उस सॉल्ट को कंप्लीटली सॉल्युबल मान लेने का. ठीक है, तो यहाँ पर कैसा है, NaCl जो है दैट कंप्लीटेड एसोसिएट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, राइट, एंड AgCl विल एस्टैब्लिश इट्स इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो यहाँ पर ये NaCl कंप्लीटेड एसोसिएट हो गया, राइट, एंड AgCl ने अपना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करा. Now, the important thing before you start analyzing the equilibrium is that there is a common ion. So you need to make sure that the common ion concentration is same throughout. After that, you do your analysis. You solve for S dash using KSP. So KSP is equal to 10 to the power minus 12. And it is S dash into S dash plus 0.1. Right? Now, given that solubility was already a low value and common ion ki presence mein toh aur kam hogi, you can safely take this approximation. Right. I hope the approximation aapko clear hai that S dash is much, much less than 0.1. And based on that, you solved and got the value of S dash as 10 to the power minus 11. And aapne usko validate bhi kar liya. Okay, you validated that as well. So you understood that the solubility is much lesser. Okay, yeah, yeah. Solubility in presence of common ion. Kaise karna hota hai? Is this clear with everyone? ठीक है, हाँ हाँ आएंगे ना, वैसे वाले केस पे भी आएंगे 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 करेंगे, यश वो वाला केस भी लिखेंगे. नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं है एवरी एक्स्ट्रा सॉल्ट, अमन आप क्वेश्चन का लैंग्वेज रीड करना, ठीक है, तो आपको पता पड़ेगा. ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया सबको? ठीक है, अब थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं. ठीक है, जस्ट गिव मी वन मिनट. ठीक है, आई थिंक देयर वर सम एडिट्स टू बी डन. ठीक है, गिव मी टू मिनट्स. All right. ये वाला बताओ. Determine the solubility of PbOH whole twice in pure water and in buffer solution of pH 8. और आपको KSP दे दिया है PbOH whole twice का. ठीक है. आई थिंक प्योर वाटर वाला तो हम लोग पहले ही खुद कर चुके हैं, राइट, थोड़ी देर पहले ही करा था, तो लेट मी नॉट आस्क यू टू रिपीट वर्क ऑन दैट. सॉलिड 0 0, फिर सॉलिड माइनस एस, एस एंड 2s, और के एस पी जो है वो 4s क्यूब के बराबर आ जाएगा, इसका वैल्यू 10 की पावर माइनस 5 आ जाएगा.
ठीक है, और इसमें हमने वाटर का OH माइनस कॉमन आयन इफेक्ट में क्यों इंक्लूड नहीं करा, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 10 की पावर माइनस 6 मोलर। ठीक है, अब जो बी पार्ट है क्वेश्चन का, दैट सॉल्युबिलिटी बताओ बट नॉट इन प्योर वाटर इन अ बफर सोल्यूशन ऑफ पीएच 8, तो ये आप करके बताओ मुझे, टेक एन अटेम्प्ट। आ पा रहा है कुछ? इतना डिफिकल्ट नहीं है इसमें, द ओनली कैच इज कि जो पीएच है वो बफर सॉल्यूशन मेंटेन करके रखता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होने देगा। करेंगे ना गौरव, रुक तो जाओ, वैसा क्वेश्चन भी करेंगे। आई थिंक आपका आंसर करेक्ट है पूर्ण। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूँ आपको इन योर एनालिसिस। नॉर्मल केस में कैसा था, PbOH होल ट्वाइस अपना डिसोसिएट होता Pb2 प्लस आयन में एंड 2OH माइनस आयन्स में, ये S रहता और ये 2S रहता, राइट। बट यहाँ पर आप नोटिस करोगे दैट ये 2s नहीं रहेगा, ठीक है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन वो बफर सोल्यूशन एडजस्ट करेगा, बफर सोल्यूशन मेंटेन करके 10 की पावर माइनस 6 करके लेके आएगा। सो दिस विल बी एज पर द बफर सोल्यूशन ओनली,
ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अगर आपके सामने लिखूँ फ्रेश तरीके से, पी बी ओ एच होल ट्वाइस डिसोसिएट्स इनटू पी बी टू प्लस प्लस टू ओ एच माइनस, ठीक है, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड में से कुछ एस मोल्स डिजोल्व हो रहे हैं, ये एस टू एस है, बट मैं क्या कह रहा हूँ कि ये टू एस नहीं है, ये 10^-6 मोलर ही है. दिस इज समथिंग विच इज एज पर द बफर सोल्यूशन ओनली. ठीक है, बफर का काम ही है ना पीएच मेंटेन करना, करेगा वो अपना इक्विलिब्रियम आगे पीछे जैसे भी करेगा, आई डोंट केयर, बट बफर विल ट्राई टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच. एंड उसका डेटा मुझे दिया नहीं है बफर का, तो बफर के बारे में क्यों चिंता करूं. तो मेरा ओएच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10^-6 रहेगा. तो अब मैं इसको अगर केएसपी के एक्सप्रेशन में पुट करता हूँ तो मेरा पीबी टू प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, विच विल बी गिविंग मी द वैल्यू ऑफ solubility. ठीक है, माई सॉल्युबिलिटी इन दिस बफर सोल्यूशन विल बी 4×10^-3 मोलर. समझ में आया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई एज कंपेयर टू इन वॉटर, देख के बताओ जरा. बढ़ गई ना, यहाँ पे 10^-5 थी, यहाँ के 10^-3 थी, कैसे बढ़ गई? क्योंकि अगर आप इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करते, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, तो कितना होता? इफ आई वुड हैव आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन, पीएच ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब लाइक जब ये डिसॉल्व हो चुका है, इसमें अगर आप देखते नोटिस करते, इन दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है ना ऑफ द सॉल्ट. ओएच माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 2s, दैट इज 2×10^-5 मोलर. इंप्लाइज पीओएच कितना था? 5 − log 2, दैट इज 4.7. और पीएच कितना था? 9.3, सॉरी हाँ 9.3, करेक्ट. तो अगर मैं उससे कम पीएच वाले सॉल्यूशन में, ठीक है, आप देख रहे हो ये बफर का कम पीएच है, उससे कम पीएच वाले सॉल्यूशन में सॉल्ट को डालूंगा तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा ना, ये ओएच माइनस कंज्यूम होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, एंड वही हमें यहाँ पे होते हुए दिख रहा है. Is that clear? Solubility क्यों बढ़ी? ये समझ में आया? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था that pure water में सॉल्युबिलिटी वॉज 10^-5, ठीक है, एंड बफर सॉल्यूशन में हमने कैलकुलेशन करके निकाला तो आया सॉल्युबिलिटी 4×10^-3. तो सॉल्युबिलिटी कम हुई कि बढ़ी, वो आपने मुझे देख के बता दिया कि सर सॉल्युबिलिटी बढ़ गई 10^-5 और 4×10^-3 में 4×10^-3 बढ़ा है ना. बट मैंने आपसे पूछा दैट क्यों बढ़ी, उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो? तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे समझ में आ रहा है? उसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके समझ में आ रहा है कि जब सिर्फ वाटर के अंदर हमने ये सॉल्ट डाला था और उसमें जितना ओएच माइनस था उससे जो पीएच सॉल्यूशन का आया था वो 9.3 था. अब अगर मैं इससे ज्यादा पीएच वाले सॉल्यूशन में डाल देता, ठीक है, मान लो यहाँ पर तो मैंने बफर सॉल्यूशन पीएच 8 का रखा है, मान लो 9.3 से ज्यादा पीएच का सॉल्यूशन होता, पीएच 10 पीएच 12 के सॉल्यूशन में अगर मैं डालता तो क्या होता, ओएच माइनस ज्यादा रहता है ना सॉल्यूशन में, यानी कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्टेड रहता. इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्टेड रहेगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी ना. यहां पर इस क्वेश्चन में मैंने बफर सॉल्यूशन दिया वो पीएच 8 का दिया, व्हिच वाज लेसर देन 9.3, राइट. तो पीएच 8 था व्हिच वाज लेस देन 9.3, तो मतलब ये जो ओएच माइनस था
ये कम था एज कम्पेयर टू वॉट इट वुड हैव बीन इन द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्टेड रहा, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। अभी समझ में आया? ठीक है, ऑल राइट। एक और केस देखते हैं, थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। हाँ हाँ आप कर सकते हो, कर सकते हो। सो इसमें यश का एक डाउट आ रहा है, विच इज अ डाउट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स एज वेल। ठीक है, जैसा डाउट है, यश वुड हैव डन इट इन दिस वे। यश इज लाइक कि सर मैंने तो ऐसे करा, पी बी ओ एच होल ट्वाइस गिविंग पी बी टू प्लस प्लस टू ओ एच माइनस, ठीक है, और सॉलिड जीरो जीरो सॉलिड माइनस एस एस एंड टू एस, ठीक है, एंड जो बफर होगा सर, वो जो बफर भी है वो भी तो कुछ इक्विलिब्रियम बना रहा होगा ना, और उसके इक्विलिब्रियम में भी सर ओ एच माइनस आयन होगा, है ना, तो उसका कुछ एक्स मान लिया मैंने ओ एच माइनस आयन, और फिर कॉमन आयन को मैंने सेम कर दिया थ्रू आउट, इसको एक्स और इसको टू एस कर दिया, ठीक है, और फिर सॉल्विंग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपका ख्याल अच्छा है, बट द थिंग इज क्या इस बफर के बारे में कुछ डेटा दिया है क्या आपको क्वेश्चन में, लाइक इसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट या कुछ दैट कैन हेल्प यू? नहीं दिया ना, तो ऐसे में वॉट यू हैव टू अज्यूम इज दैट बफर इज एक्सेस, बफर इज लार्ज, बफर अपना काम कर रहा है। बफर का काम ये है कि इट इज मेंटेनिंग द ओएच माइनस कॉन्सेंट्रेशन दैट इज देयर इन द क्वेश्चन जो लिखा हुआ है। ये जो बफर है ये 10 की पावर माइनस 8 मोलर इंश्योर कर रहा है कि ओएच माइनस रहे, दैट्स इट। अगर उसके बारे में कुछ करवाना होता तो फिर आपको डेटा देते हो बफर का, यू नो उसका डेटा क्या है, उसका डेटा कम है ज्यादा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको याद हो तो NaCl के बारे में था, ठीक है, नहीं नहीं वो आगे आएगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपकी बढ़ाता रहूंगा। अभी जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये कॉम्प्लेक्सिटी नोटिस करना, ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन। कुछ देर पहले क्वेश्चन मांग रहे थे बच्चे कि सर अगर दोनों इनसॉल्युबल सॉल्ट रहेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखो जरा कैसे करेंगे,
कुछ आ रहा है? इक्वेशंस वगैरह तो बन रही होगी? नहीं, पीएच 8 दिया था ना, तो पीओएच। अच्छा हाँ, तो 10 की पावर -6 ही तो लिया है। पीएच 8 था ना, तो पीओएच 6 हो गया। हाँ राइट दिशा, ठीक है। सो इसमें अगर इंडिविजुअली करोगे तो यस, यू नो द आंसर्स, दे आर प्रिटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। बट टुगेदर इफ यू टेक देम, देन इट्स अ केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, राइट? ऐसी इक्वेशंस बन रही हैं आपकी। एजी प्लस इज द कॉमन आयन, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबका? रहा है ना? तो इनको सॉल्व करोगे जब आप, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? किसी को डाउट है इसमें? नाउ नोटिस करना एक और सिनेरियो विच इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? सो AgCl अपना इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर रहा है, Ag+ और Cl- आयंस दे रहा है,
एंड साथ में टू इंक्रीज इट्स सॉल्युबिलिटी मैंने कोई एक ऐसी स्पीशीज डाल दी सॉल्यूशन में विच कंबाइंस विद एजी प्लस आयंस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयंस, ठीक है, एजी प्लस आयंस को बेसिकली कंज्यूम करने लग जाए। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, एजी प्लस आयंस अगर कंज्यूम होंगे तो एजी प्लस आयंस अगर कंज्यूम होंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे नोटिस करना आप लोगों ने शायद पढ़ा हुआ हो जूनियर क्लासेस में दैट AgCl जो है वो पानी में तो इनसॉल्युबल होता है बट अमोनिया सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। तो वो अमोनिया सॉल्यूशन में कैसे डिसॉल्व हो जाता है, द अमोनिया आयंस दे कंज्यूम दिस Ag प्लस आयन, ठीक है, Ag प्लस आयन आप देखोगे यहाँ पर इसको कंज्यूम कर रहे हैं टू फॉर्म सच कॉम्प्लेक्स आयंस, ठीक है। एंड इनका जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होता है, द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट विच दे फॉर्म दीज आयंस, दैट्स अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू, ठीक है। आई गिव यू सम डेटा ऑल्सो, दिस के इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज के कॉम्प्लेक्सेशन या के फॉर्मेशन या वन अपॉन के डीकम्पोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन या वन अपॉन के इनस्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, ये काफी बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। या फिर साइनाइड के सोल्यूशन में भी ऐसे ये सिल्वर सॉल्ट्स डिजोल्व हो जाते हैं, AgCl डिजोल्व हो जाएगा इन साइनाइड सोल्यूशन, कैसे, बिकॉज ये Ag प्लस आयन साइनाइड आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, एंड जो के ऑफ फॉर्मेशन है वो इसका रेसिप्रोकल होगा, ये के इनस्टेबिलिटी दिया हुआ है इसका रेसिप्रोकल होगा ये, सो यू कैन सी इट्स अ वेरी लार्ज वैल्यू। ट्राई करोगे, सी इफ यू टेक एन अटेम्प्ट, क्या आ रहा है कैसा आ रहा है, फिर डिस्कस करते हैं।
ऑल राइट कैसे करेंगे, कुछ आया आंसर? देखो लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड दोनों मेथड बताता हूं मैं, ठीक है। लॉन्ग मेथड कैसा रहेगा, यू गो बाय द बेसिक्स, ठीक है। केसीएन के बारे में ना तो कुछ सॉल्युबिलिटी दी गई है, ना पूछी गई है, ना केएसपी दिया गया, पूछा हुआ है। यू अज्यूम केसीएन टू बी कंप्लीटली रिजॉल्व, डिसॉल्व्स इनटू के प्लस एंड सीएल माइनस एन, एंड दीज आर देयर कॉन्सेंट्रेशंस। अच्छा, फिर एजीआई जो है वो अपना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा विद एजी प्लस आयंस एंड आई माइनस आयंस, ठीक है। सॉलिड जीरो जीरो, सॉलिड माइनस एस, एस एंड एस, ठीक है। फिर साथ में ही ये दूसरा वाला इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, क्योंकि एजी प्लस और सीएन माइनस आयन मिलकर ये एजी सीएन होल ट्वाइस बनाएंगे, राइट। इसके लिए कैसा है, ये एस है और सीएन माइनस कितना है, 0.01, ठीक है। यहां से उठाया ये, ठीक है। एंड देन एस माइनस एक्स 0.01 माइनस 2x एंड ये x, ठीक है। बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग आई मेक श्योर दैट द कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट, ये भी s माइनस x है और ये भी s माइनस x है। एंड नाउ आई स्टार्ट सॉल्विंग, आप देखोगे दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, राइट। दो अननोन है, एक s और एक x, और दो इक्वेशन है, ksp की और एक kf की, ठीक है। बट जब आप सॉल्व करने जाओगे तो ये इक्वेशन आसान नहीं होंगी, ठीक है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, बट दे आर प्रिटी चैलेंजिंग, ठीक है। तो यहां पर आपको ये अप्रोक्सीमेशन लगेगा, ठीक है। द अप्रोक्सीमेशन विल बी समथिंग ऑफ दिस नेचर, एजी प्लस आयन जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस आयन्स वुड अप्रोच जीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप नोटिस करोगे यहां से ए जी प्लस आयन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इस सेकेंड इक्वेशन में कंज्यूम हो रहे हैं विद अ वेरी लार्ज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहां पर आप ये अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे, ठीक है, दैट ए जी प्लस formed from the first equilibrium is almost completely consumed in the second equilibrium. Ag plus concentration is almost equal to zero. S minus x is almost equal to zero. Or you can use the approximation S is almost equal to x. Okay. अब S is equal to almost equal to x. आप ना तो directly इस equation लिख सकते हो, ना ही directly इस equation लिख सकते हो, क्योंकि दोनों में S minus x का term है, तो आप इन दोनों को multiply करके पहले S minus x term gap कर दोगे, ठीक है। एंड देन यू विल रिप्लेस एस बाय एक्स एंड देन सॉल्व फॉर आइदर एक्स और एस, और यू कुड डू समथिंग लाइक यू हैव सीन और डन बिफोर, ठीक है। आप कैसे करते हो, एक और तरीका जो है उसमें आप दोनों को कंबाइन कर देते हो, इन दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, ए जी प्लस कटेगा, बट दैट इज एनी वेज जस्टिफाइड बिकॉज ए जी प्लस जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही ऑलमोस्ट कंज्यूम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस लार्ज वैल्यू ऑफ के एफ। तो इन दोनों को मैं कंबाइन भी करके सॉल्व कर सकता हूँ। सो अनदर वे ऑफ डूइंग इट, इनफैक्ट इट इज अ फास्टर वे, मैं दोनों इक्विलिब्रियम को कंबाइन कर दूंगा, दोनों का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस विल बी सॉलिड, दिस विल बी 0.01 00, सॉलिड माइनस एस 0.01 माइनस 2s, s एंड s, एंड देन यू विल सॉल्व फॉर s यूजिंग दिस इक्विलिब्रियम का कॉन्स्टेंट का डेटा ksp into kf, ठीक है। दोनों समझ में आई है, आर बोथ दीज मेथड्स क्लियर? ठीक है, आई होप आप यहां पर तो अटके होगे, इतना तो आपने करा होगा, यू वुड हैव एटलीस्ट ट्राई टू राइट दीज टू इक्वेशंस, वहां पर आप अटके होगे, ठीक है। उसके बाद कैसे करना है वो मैंने आपको सिखाया समझाया, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में कैसे डील करना है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम वाला पार्ट समझ में आया?
ठीक है, क्वेश्चंस दोबारा से सॉल्व करना जो मैंने आज करवाए हैं बताएं आपको, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस यू वुड बी एबल टू आंसर सम क्वेश्चंस, ठीक है, बट थोड़े से और यू नो सिनेरियोज आपके साथ मेरे को डिस्कस करने पड़ेंगे ताकि आप फिर सॉल्युबिलिटी का होमवर्क कर पाओ अच्छे से, ठीक है। अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। और भी क्वेश्चन है बट वो ठीक है इसी लाइन पर ही है, लाइक सेम क्वेश्चन सिमिलर लाइंस पर है, आप वर्कआउट करना कैसा रहेगा, ठीक है। किसी को कुछ डाउट पूछना है, एनी क्वेश्चन एनीवन वांट्स टू आस्क और डिस्कस? हाँ बोलो यश। ठीक है, मैं और कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, आज के लिए हो गया इतना। हाँ यश, बिकॉज मतलब स्टार्टिंग में आप फास्ट डाल सकते हो, स्टार्टिंग में इट डजंट मैटर, बट यू डोंट वॉन्ट टू मिस द इक्विवेलेंस पॉइंट, लाइक वेन द कलर चेंज हैपन्स यू डोंट वॉन्ट टू मिस दैट, बिकॉज दैट कलर चेंज हैपन्स इन अ स्पैन ऑफ जस्ट वन ड्रॉप, ठीक है। द पी एच चेंज इज वेरी शार्प एट द इक्विवेलेंस पॉइंट, क्या कह रहे हो यश? कैन यू गिव अ क्वेश्चन ऑन एडवांस मेथड फॉर सॉल्विंग ऑन बफर कैपेसिटी? ये दिया था ना मैंने, बफर कैपेसिटी मतलब फॉर्मूला आपको यूज करना रहेगा, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है उसमें। हम लोगों को बफर, ये तो टाइट्रेशन वाला पार्ट हो गया, और टाइट्रेशन के पहले ये वाला कराया था ना ऐसे क्वेश्चन, इसमें ये बफर कैपेसिटी वाला फॉर्मूला यूज हो रहा था। ठीक है चलो, ऑल राइट देन, एनी अदर क्वेश्चन एनी अदर डाउट? मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ आपके साथ में, ठीक है।